लाइफ्स कि हम एक छोटी सी स्थिति से बिलोंग करते हैं, श्रीगंगानगर. श्रीगंगानगर में क्या है क्या नहीं है, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव थॉट दिस एट योर अर्ली एजेस. बट यू नो देर आर मेनी पीपल जिन्होंने श्रीगंगानगर में रहकर ही सक्सेस हासिल की है. देर आर मेनी पीपल दोज हैव गॉट सक्सीड इन देयर लाइव्स स्टेइंग इन श्रीगंगानगर इटसेल्फ. सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू आर डिटरमाइंड. इफ यू कैन सी दिस, मैंने अपनी इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है, फाइंडिंग योर फर्स्ट जॉब, सक्सेस ऑलवेज बिलोंग्स फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड. वॉट डज दिस मीन्स? सक्सेस आपके पास जरूर आएगी, ओनली थिंग दैट यू नीड इज प्रिपरेशन. सो प्लीज गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल वॉट यू नीड इन योर लाइफ एंड एवरीथिंग विल बी एट योर डोरस्टेप. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू that finding your first job is all about the efforts you put in, the investment that you do in order to find your first job. So, finding your first job, हर लोग कहते हैं कि job ढूंढना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. But is it actually इतना difficult? आज हम वो figure out करेंगे कि वो कितना difficult है या कितना नहीं है. To be very honest with everyone around here, I started my career at the age of 18 plus. I was around 18.5 years old when I started my career. I never knew that I'll reach to this height, that of course I will get an opportunity to speak for such a renowned institute of the town. All that is because of course, Ruhi ma'am had trust in me, and moreover the hard work. And the one thing that I wanted is that success always belongs for those who are prepared. So I was prepared at my teenage, at the beginning of my teenage, the only thing I wanted was to earn. So I made my career that way so that I can earn in such a way, so that I can align my career and earn in such a way so that it fetches my interest and of course it leads me to earn money. And luckily today I'm earning a very handsome amount monthly staying in Srigananagar. And jin jin ke man mein bhi ye cheez hai ki Ganganagar mein rehkar nahi milta hai, to गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग एंड दैट इज वेरी डैम श्योर एंड वेरी क्लियर. मैंने जो भी कुछ लिया है गंगानगर में रहकर ही लिया है. आई हैव नेवर बीन आउट फॉर माई स्टडीज, आई हैव नेवर बीन आउट फॉर एनी ऑफ माई जॉब, एंड आई हैव नेवर बीन आउट फॉर एनी ऑफ द थिंग. सो ऑल दैट व्हाट आई हैव अर्न टुडे इज बिकॉज ऑफ गंगानगर. एंड बात सिटी की कभी भी नहीं होती है. इवन इफ यू आर स्टेइंग इन अ सिटी विच इज इवन मोर स्मॉलर देन गंगानगर, तब भी आप सक्सेस ले सकते हो. द ओनली थिंग दैट यू नीड इज कि आपको उस पर काम करना पड़ेगा. Most of you must be fresh graduates and postgraduates. The first ingredient that you need to find your first job is a proper plan. Sirf ek planning hum ek properly kar lenge. Execution aapko 90% planning karni hai aur 10% execute karna hai. Agar aapne 90% planning properly kar li, planning kaise karni hai wo bhi hum aapko batayenge properly ki kaise planning hogi. But agar aapne 90% planning kar li hai to uske baad everything you will get everything. And execution, of course, plan करके हम उसे रोक नहीं सकते, हम उसे execute करना पड़ेगा. But अगर हमारी planning perfect है, तो उसको execute करने में कहीं पे भी कोई problem नहीं आएगी. सब मैंने भी कहा, plan आपके parents भी कहते होंगे, plan आपके professors भी, teachers भी, mentors भी, हर person आपको कहते होंगे plan plan plan. But ये plan होता क्या है? We'll definitely look after what the planning is. So आज हम जिस contents पे बात करेंगे, that is planning. प्लानिंग, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि क्या क्या प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, कैसे कैसे रिक्वायर्ड होती है, प्लान करना कैसे है. द सेकेंड थिंग दैट विल टॉक अबाउट इज प्लान तो कर लिया, बट हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस किस टाइप की हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और फिर थर्ड थिंग जो हम बात करेंगे, दैट इज हाउ टू ओवरकम. पहले हमने प्लान किया, फिर हमने बाधाएं चेक करी. ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधाएं, जो रुकावटें आएंगी हम वो चेक करेंगे. फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि उनसे बाहर कैसे आना है, एक जॉब कैसे हासिल करनी है. और जब जॉब मिल गई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होगी. एंड ऑफकोर्स द फोर्थ स्लाइड, द फोर्थ राउंड विल बी क्वेरीज हैंडलिंग, क्वेश्चन आंसर्स, विच इज माई पर्सनली फेवरेट स्लाइड, फेवरेट पार्ट ऑफ दिस स्पीच, बिकॉज आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, जो भी आपकी रिलेटेड क्वेरीज होंगी. So let's talk about planning. Success always belongs for those who are prepared. Prepare means planning. Plan करोगे तो आप prepare करोगे, plan करोगे, आपके success अपने आप कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी. The one thing that our parents says is
I have written this thing, never forget to make plan B. I'll explain you what it is. देखिए, सबसे पहले आपके पास आपकी लाइफ का एक गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए. यू शुड हैव वन गोल इन योर लाइफ कि मुझे मेरी लाइफ में ये करना है. एंड यू शुड बी डिटरमाइंड. डिटरमाइंड मींस आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि नहीं, मुझे ये हासिल करना है, मतलब करना है. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, प्लीज 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 उस एक मकसद के लिए अपनी सारी जिंदगी वेस्ट मत करें. आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए. अगर ये नहीं तो ये होगा, अगर ये नहीं तो मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. आज के टाइम पे मेरे हिसाब से ऐसी आपके जिस चीज में इंटरेस्ट हो, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि मेरा इंटरेस्ट इसमें और वो चीज मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है. आपको फूड में इंटरेस्ट है, फूड इंडस्ट्री मिल जाएगी. आपको हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट है, आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मिल जाएगी. आपको जिस भी काम में इंटरेस्ट है, जिस भी तरह का इंटरेस्ट है, आपको हर उस तरह का काम मिल जाएगा मार्केट में. आप अपना जॉब कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग योर फर्स्ट जॉब, इट इज इवन इफ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, ऑल दीज ट्रिक्स विल हेल्प यू आउट विद स्टार्टिंग योर ओन एम्पायर एज वेल. बिकॉज प्लानिंग तो हमें जॉब के लिए भी उतनी ही करनी है, बिजनेस के लिए भी उतनी करनी है. बस एक डिफरेंस आएगा कि जॉब की प्लानिंग के लिए आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है और बिजनेस की प्लानिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की प्रिपरेशन करनी है, एंड दैट्स इट. और बिजनेस में आपके पास एक और एडवांटेज है कि आपको इंटरव्यू लेने की प्रिपरेशन करनी होगी, फिर देने की नहीं करनी होगी. सो अभी हम जो प्लानिंग की बात कर रहे थे, दैट इज प्लान ए एंड प्लान बी. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, यार मैं तो ये बनना चाहती थी, मैं नहीं बन पाई तो आज मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती. मैं तो ये बनना चाहता था, मेरी ये इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ. मैं आईएएस करना चाहता था, मैंने 2-3 अटेम्प्ट्स दे दिए, मेरा नहीं हो रहा, अब तो जी मैं घर पे बैठा हूँ. ऐसा प्लीज अपना माइंडसेट कभी भी मत कैरी कीजिएगा. बिकॉज अगर आपने प्लान किया होगा ना, तो कभी भी आप ऐसे हार के नहीं बैठोगे, आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठोगे. द ओनली थिंग दैट यू नीड इज when you are planning for plan A, simultaneously plan for plan B as well. Ki agar plan A mera kamyab nahi ho pata hai, if my plan A gets failed, so I should have plan B in the pipeline. One thing more, I'll let you know plan B kaise plan karna hai. But before that, let's talk about ki planning karni kaisi hai. So, the first thing that you need is self-assessment. Self-assessment ka kya matlab hota hai? Assess karna. Assess matlab khud ko check karna, khud ko examine karna. Khud assessment matlab examine karna, self matlab khud ko. Hum dusro ko to bahut jaldi finger point out kar dete hain. You know what? When you're pointing fingers on one finger on somebody else, another 3 fingers are pointed to you. To aapko ye cheez dhyan rakhni hai ki jab aap finger kisi aur pe point out kar rahe hain, तो आप बाकी की जो 3 फिंगर्स आप पे पॉइंट आउट हो रही हैं, आप उसको भी एग्जामिन कर ले कि आप में क्या चीज की कमी है और क्या चीज अच्छी है और क्या चीज आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है. ओके, सो सेल्फ असेसमेंट इज द वन थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन. तो सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब होता है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करनी है, आपको रिसर्च करना है आपका कि इंटरेस्ट ऑफ वर्क क्या है. मैंने बिल्कुल अपनी जो स्लाइड है वो ऐसे ही स्टार्ट करी थी कि अगर आप अपने इंटरेस्ट वाले काम पे काम स्टार्ट करते हैं, सो आपको आपकी लाइफ में कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क इन योर लाइफ. सो आपको पहले ये चेक करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है. और आज के टाइम पे एज आई टोल्ड यू, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो और आपको उसमें फ्यूचर बनाने का ना मिले. डांस में इंटरेस्टेड हो, बिकम अ कोरियोग्राफर. म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो, बिकम अ musician, become a singer. There are many industries. Acting में interested हो, open for all. आजकल तो बहुत it's difficult, but it's not that difficult to go to acting field as well. All you need is कि आपके पास वो skill होना चाहिए, and there are many stages, platforms to showcase your interest. And अगर आपका वहाँ पे select होता है, तो आप अपना acting में interest बना सकते हो. Teaching में है, profession जिसमें भी आपका interest है. Some people उनको study में बिल्कुल भी interest नहीं होता. So what? स्टडी में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता. आई ऑल्सो नेवर लाइक स्टडीज 12th तक, बट ग्रेजुअली अच्छी लगने लगी. एंड लुक, आई डिड माई MBA, दैट ऑल्सो विद द मोस्ट स्कोरिंग परसेंटेज. आई वॉज द टॉपर इन द कॉलेज. एंड अलॉन्ग विद दिस, अब मैं PhD भी कर रही हूँ. एंड आफ्टर PhD भी मेरा प्लान है कि मैं आगे और भी स्टडी कर लूँ. सो स्टडी वॉज नेवर कप ऑफ माई टी. बट अब मुझे
समझ आ रहा है कि स्टडी विल लीड मी टू समथिंग, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वाली लाइन पकड़ी है, मुझे ट्रेनिंग करवाने में इंटरेस्ट है. सो इस वजह से मैंने वो भी अपनी देखो प्लान कर लिया, ट्रेनिंग के लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, तो मैंने वो कर ली है. मैंने पहले अपना इंटरेस्ट देखा, मेरा इंटरेस्ट किस में है, ट्रेनिंग में है, तो उसके लिए मुझे स्टडी कंपलसरी है, तो मैंने स्टडी में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया. सिमिलरली बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है. यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स, यू कैन गो फॉर वेरियस थिंग्स सच एज आजकल पेंटिंग में बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, हैंड क्रिएटिविटी. आई हैव मेड टू थ्री फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनका क्रिएटिविटी इतनी हैंड क्रिएटिव है, एंड दे आर डूइंग सच अ वेल. वो अपना खुद का बिजनेस ओपन करके बैठे हैं एंड इतना इतना अर्न कर रही है एट सच अ अर्ली एज. सो ऑल दैट इज सेल्फ असेसमेंट कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और फिर हमें उस इंडस्ट्री में प्लान करना है. अब एक चीज बच्चे मैं आपको समझाना चाहूंगी, सभी जो यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों को, कि सेल्फ असेसमेंट करते टाइम आप एक चीज, अगर आप आज के लिए असेस कर रहे हैं, अगर आप अपने किसी जूनियर को गाइड कर रहे हैं, या आपने आज से दो साल बाद करियर स्टार्ट करना है, जो भी फर्स्ट ईयर में है, या जिन्होंने भी जस्ट पीजी स्टार्ट करी है, जिन्होंने दो साल बाद करियर स्टार्ट करना है, वो तो अपने हिसाब से करें, बट जिन्होंने आज ही प्लान है जिनका कि जस्ट आफ्टर जैसे ये वेबिनार खत्म होता है, जो भी हमें सिखाया जाएगा बताया जाएगा, हम इमीडिएट अपना सर्च करेंगे उस अकॉर्डिंग. सो अकॉर्डिंग टू दैट आप आज के टाइम पे ये चेक कर लीजिएगा कि जो आपका इंटरेस्ट है वो चीज मार्केट में चल रही है या नहीं चल रही है ड्यू टू पैंडेमिक. ना मार्केट में सिर्फ मेन चीज जो इफेक्ट हुई है वो हुई है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म. ठीक है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ यू जो जो आप एमबीए में स्टडी करें, कंपनीज आर हायरिंग, बीटेक कंपनीज, जो बीटेक जिन बच्चों ने किया हुआ है, दोस कंपनीज आर हायरिंग एंड दे आर गिविंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ सैलरीज, क्योंकि उनका तो काम सारा कंप्यूटर पे है, वो सारा काम हो रहा है, कंपनीज चल रही है, अब तो अनलॉक भी स्टार्ट हो गया है. सो इतना ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. बट येस, अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे होटल इंडस्ट्री इफेक्टेड है, एविएशन इंडस्ट्री इफेक्टेड है, तो ये जो इंडस्ट्री फिलहाल इफेक्टेड है, हमें सिर्फ इसमें अभी के लिए हमें 2-3 months हम इसमें कोई इतना फ्यूचर नहीं प्लान कर सकते, बट इन फ्यूचर हम कर सकते हैं. एंड आई बिलीव यहाँ पे अभी फिलहाल कोई एविएशन वाला होगा भी नहीं, बट इन केस आप हो तो आप अपना जो प्लान बी है वो एग्जीक्यूट करो, एंड देन दैट विल लीड यू टू प्लान ए. वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे. सो दिस इज हाउ यू सेल्फ असेस योरसेल्फ. पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने जरूर चेक करना जब आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो. आज मैं कह रही हूँ कि नहीं, म्यूजिशियंस का बहुत अच्छा स्कोप है, सो आई शुड बी अ म्यूजिशियन, बट मेरी आवाज ही अच्छी नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं आता, मुझे गाना ही नहीं आता, सो हाउ कैन आई बी अ म्यूजिशियन. सो वो चीज आप चेक कर लेना कि जो चीज आप प्लान कर रहे हो वो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी होनी चाहिए. आपको उसका 1 skill आना चाहिए, बाकी के 10 skills आप लर्न कर लोगे. आपको वो पता होना चाहिए कि मेरे में क्या है और कैसे मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, जिससे मेरा उस चीज में इंटरेस्ट रहे. ओके, द अनदर थिंग इज कैरियर एक्सप्लोरेशन. अब जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपको उसमें अपना करियर बनाना होगा. कैसे आप उसमें अपना करियर बनाओगे? उसमें आपको अपना करियर बनाना है एज इन मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग में, सो आई विल ऑप्ट फॉर द बेस्ट डिग्री अराउंड. सपोज इट्स एमकॉम, एमकॉम के बाद अगर एमफिल होती है, फिर पीएचडी होती है, सो मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, सो आई विल डू दैट. आपका इंटरेस्ट सपोज सेलिंग में है, सो आप उस अकॉर्डिंग, मेनी ऑफ यू मस्ट बी डूइंग एमबीए. एमबीए का इंटरेस्ट होता है, एमबीए के लिए ऑल यू नीड इज मार्केटिंग फॉर सेल्स. पर्टिकुलरली आपका इंटरेस्ट है, आपको इंट्रैक्शन करने में बहुत मजा आता है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर कस्टमर सर्विसेज. आपको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ऑलराइट. सो ऑल दीज थिंग्स ऑल यू नीड टू डू इज असेस फॉर योर करियर डेवलपमेंट, फॉर योर करियर प्लानिंग. सो एस्टैब्लिश योर करियर ऑब्जेक्टिव. अब वही बात कि अच्छा चलो करियर एक्सप्लोरेशन भी कर लिया कि ठीक है मेरा इसमें इंटरेस्ट है, ऐसा है. अब ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सपोज मेरा इंटरेस्ट है, अगेन ट्रेनिंग्स में इंटरेस्ट है, सो ऐसी कौन सी कंपनीज है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं? इट्स कॉलेजेस लाइक IIMT, NIIT, IIMTs, ऑल दोस कॉलेजेस, ये सब आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी देती हैं. स्पेसिफिकली इनके जो ये लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली ट्रेनर्स अपॉइंट करते हैं, ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं पहले और फिर उसके बाद उनको अपॉइंट करते हैं. अब जैसे इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट नेक्सा, मारुति, कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, फिर इनके ऑलमोस्ट ट्रेनिंग शोज लगते होते हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है, जो भी न्यू एम्प्लॉयज एड ऑन होता है. आज आप किसी भी कंपनी में जाओगे आपको उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, सो आपको उस कंपनी के बारे में कौन बताएगा? वो ट्रेनर्स बताएंगे. ठीक है, सो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव अपना सेट करना है कि अब मुझे उसके अंदर कौन सी कंपनी को पकड़ना है, उस कंपनी में हायरिंग्स चलती हैं, कितनी चलती हैं, कितने स्केल पे चलती हैं, आपको वो सब चेक करना पड़ेगा. ओके,
Now the next is prepare your job search tools. Prepare your job search tools का क्या मतलब होता है? क्या होते हैं job search tools? First of all, an internet. And the second and the important thing is resume. You should have your resume. अच्छा, एक चीज है, आप सबने किया भी होगा, आप सबको पता भी होगा ये चीज. आपके रिज्यूमेज में आप कैफे गए, आपने रिज्यूमे बनवाया, उसके बाद सारी जिंदगी भाई हमारा वही रिज्यूमे चली जा रहा है. आपने अगर देखा होगा उस रिज्यूमे में एक करियर ऑब्जेक्टिव वाली लाइन लिखी होती है जिसमें ऐसा लिखा होता है कि एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आई वुड लाइक टू एस्टैब्लिश माय करियर एंड बाय कोऑर्डिनेटिंग विद योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स तो उसके अंदर दो दो साल एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को, फिर भी वो लाइन फ्रेश ग्रेजुएट ही रहती है क्योंकि भाई हमने तो सिर्फ एक ही चीज करी थी, हमने कैफे में गए थे, हमने अपना रिज्यूमे बनवा लिया था और उसके बाद हमारे रिज्यूमे वही चीज होती है. नाउ मेनी ऑफ यू शुड डू दिस थिंग एज सून एज दिस वेबिनार गेट्स फिनिश्ड. आप अपने जाइएगा उस पर और चेक कीजिएगा, आपके उस पर फ्रेश ग्रेजुएट लिखा होगा. हम एक्सपीरियंस तो उसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें पता है हमने दो साल जॉब करी है, पर हम उसमें ये मूव ऑन करना भूल जाते हैं कि हमने वहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएशन नहीं है, अब मेरे पास दो साल का एक्सपीरियंस है, तो हमें वहां से फ्रेश ग्रेजुएट रिमूव करना पड़ेगा. आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, फ्रेश हो या एक्सपीरियंस्ड हो, वो चीज उस पर अलाइन होगी. सो ऑलवेज मेक अ प्रोफेशनल रिज्यूमे. यू नो, रिज्यूमे इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू गेट सिलेक्टेड. क्योंकि आप कैसे दिखते हो, वॉट आर योर स्किल्स, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें बहुत बाद में आते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट इंटरव्यूअर, द फर्स्ट थिंग दैट एम्प्लॉयर, द फर्स्ट थिंग दैट द कंपनी विल हैव इन देयर रिस्पेक्टिव हैंड्स इज योर रिज्यूमे. सो योर रिज्यूमे शुड बी डैम अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव डज नॉट मीन्स इट शुड बी कलरफुल, इट शुड बी अ प्रोफेशनल रिज्यूमे विच शोज ऑल वॉट यू हैव. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज कभी भी आप ऐसा मत कीजिएगा कि मैंने आपका रिज्यूमे बनाकर दिया सपोज और आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया. आपने किसी भी फ्रेंड से बनवाया, आगे फॉरवर्ड कर दिया. अपनी फैमिली में किसी से बनवाया, आगे फॉरवर्ड कर दिया. कैफे से बनवाया, आगे फॉरवर्ड कर दिया. नो. पहली बात तो अपना रिज्यूमे खुद बनाइए. अगर नहीं बना सकते हैं, कोई भी अगर आपको रिज्यूमे बनाने में हेल्प कर रहा है तो उनको उसके बाद उस रिज्यूमे को रीड करना मत भूलिएगा. बिकॉज योर रिज्यूमे इज समथिंग दैट विल अलाउ इंटरव्यूअर टू आस्क द क्वेश्चंस. अगर आपको आपके रिज्यूमे के बारे में ही नहीं पता तो वी आर सॉरी, कंपनी विल से दिस थिंग, वी कैन नॉट सेलेक्ट यू. जब आपको आपके रिज्यूमे के बारे में ही नहीं पता आपने क्या लिखा है, ये तो आपकी खुद की लाइफ है, तो फिर आपको कैसे आगे पता चलेगा कि हमारी कंपनी में क्या होता है. फाइन. अब द नेक्स्ट थिंग फॉर प्लानिंग इज फाइंड कंपनीज हायरिंग. आपको ये चीज चेक करनी है कि कौन कौन सी कंपनीज हायर कर रही है फिलहाल. ये पैंडमिक चल रहा है उसके अगेंस्ट में FMCG बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मेडिकल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हेल्थ अच्छा ग्रो कर रहा है. इफ यू मस्ट हैव सीन दिस, आजकल ये जो बाइसिकल्स होते हैं, एवरीबॉडी इज फॉन्ड ऑफ बाइसिकल. एवरीवन इन द मॉर्निंग, एवरीवन इन द इवनिंग एज पर दैट कन्वीनियंट. मेनी पीपल यू विल फाइंड ऑन रोड्स, जो आपको हमेशा कार में घूमते दिखते थे, वो अपने स्पेयर टाइम में बाइसिकल्स चला रहे हैं. सो यू नो, दिस पैंडेमिक में बाइसिकल्स का बहुत अच्छी सेल होनी स्टार्ट हुई है. तो सिक्योर द इंटरव्यू. सिक्योर द इंटरव्यू का क्या मतलब हुआ कि आपको पहले फाइंड करना है कि कौन सी कंपनी काम कर रही है, कौन सी कंपनी हायर कर रही है, फिर उसके उसमें आपको इंटरव्यू कैसे देना है. आपको क्या करना है, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि ये कैसे इंटरव्यूज इनमें चलते हैं, कंपनीज में कैसे इंटरव्यूज होते हैं, और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम होगा और कैसे आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना है. नाउ स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. व्हाट डज दिस मींस? सिर्फ ऐसा नहीं है कि वही वाली कंपनी, ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही उस कंपनी के लिए इंटरव्यू दोगे, बाकी भी और कंपनीज होंगी, बाकी भी और कंपनीज से आई मीन बाकी भी और कैंडिडेट्स होंगे जो उस कंपनी के लिए इंटरव्यू देंगे. बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. एंड हाउ विल यू डू दैट? बाय फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग योर रिज्यूमे अट्रैक्टिव, एंड सेकेंड थिंग इज गेनिंग द राइट नॉलेज, एंड ऑफ कोर्स गेट सिलेक्टेड. Once, आप अगर आप क्राउड से स्टैंड आउट हो गए, अगर आपको कुछ भी अलग दिख गया, इंटरव्यूअर को कुछ भी आप में अलग दिख गया, सो डेफिनेटली यू आर सिलेक्टेड, एंड इन अ वेरी शॉर्ट टर्म यू आर सिलेक्टेड. फाइन. सो नाउ
make plan B that will eventually lead towards plan A. As I told you earlier, मैंने आपको भी बोला था plan B बनाना है, but plan B कैसे बनाना है हमने ये discuss नहीं किया था. So आप अगर ये figure देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, plan B, plan B, plan B, तीनों तरफ plan B है, but plan B के center में plan A है. आपकी life का जो goal है that is plan A, but हमें plan B के according काम करना है. प्लान ए हमारा सपोज नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है, प्लान बी हमारा, प्लान ए हमारा किसी भी तरह से फेल हो गया, या अभी इट्स नॉट द राइट टाइम. बहुत लोगों का अगर कुछ ऐसा प्लान था कि हम बाहर जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे एज अ फ्रेश ग्रेजुएट्स, आपकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गई है, आपने इंटरव्यूज के लिए अप्लाई किया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी आप नहीं जा पा रहे हो, इट्स ओके. प्लान ए आपका ये था, कोई बात नहीं, प्लान बी पे हम काम कर लेते हैं, एटलीस्ट हम एक जॉब तो कर सकते हैं. ओके, नॉट इन मल्टीनेशनल कंपनी, बट हम एक जॉब जरूर कर सकते हैं. हाउ विल वी डू इट, हमें प्लान डी करना पड़ेगा. जैसे आई टेक माय एग्जांपल, मैंने प्लान बी कैसे किया, प्लान ए मेरा क्या था, मुझे एज अ ट्रेनर काम करना था. ओके, आई वांटेड टू डू एज अ ट्रेनिंग, बट उसके लिए इनिशियली लाइफ की स्टेज में कभी भी आपको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज विदाउट एन एक्सपीरियंस बहुत रेयर है मिलनी. सो आई ऑप्टेड फॉर टीचिंग. Although teaching indirectly relates to training, but there is a major difference between teaching and training. So, but I opted for school. फिर उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाया 4 years. फिर उसके बाद I joined as a quality manager with Nexa. Nexa ने ही पहले as a quality manager I worked with, and then Nexa itself gave me the opportunity of being the training manager. So, अभी Nexa में I have worked as a training manager for past 1 year, handling all the HR work, handling all the trainings that is need to be done, the product training, the soft skill training, the manpower training. तो उससे अब मेरा plan A, जो मेरे को training चाहिए थी, जो मेरे को एक trainer बनना था, तो उससे मैं अब अपने plan A पर आ गई. So you saw कि मैंने अपना plan B कैसे plan किया कि मैं plan A तक अपने पहुंच पाऊँ. Today I am a trainer. I've been training many banking students for banking industry, students for automobile industry, and of course side by side I am working as well with the Nexa as a training manager and as well as the quality manager. So, इसके अंदर क्या है? आपको plan B अपना ऐसे start करना, plan करना है कि plan A की तरफ execute करें. एक सबसे बड़ा major problem जो बच्चों में हो सकता है वो यही है कि मेरा ये plan था वो नहीं हो पाया, so अब तो मेरे पास कुछ option ही नहीं बचा है, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई. तो जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती है. It's always that कि आपको एक proper planning चाहिए plan B के through, so that आप plan A पे जा सकते हो. Plan A हो जाए, you are lucky enough, बहुत मेहनत करी आपने, बहुत अच्छी बात है, plan A हो जाए, but नहीं हो रहा है, तो you should have plan B. In fact, अगर आपका plan B भी fail हो रहा है, तो have plan C. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे plans खत्म हो गए हैं. बहुत चीजें, बहुत options होते हैं life में. All you need is, एक आपको सिर्फ खुद पे भरोसा चाहिए. You have to trust yourself. The only thing that you need is trust, trust and trust yourself कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ. उसके बाद आपको ना ही plan A fail हो जाए तो कोई बात नहीं, plan B भी हो जाए, plan C भी हो जाए, plan D भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, हम plan E तो कर ही लेंगे. So it's never this, आपकी एक ही चीज में बहुत options हो सकते हैं. Make your future accordingly. आजकल तो वैसे भी it's the time of internet, आप जो चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो अपना open up कर सकते हो, right? So नेक्स्ट थिंग इज लुकअप फॉर. आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी जब आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी कि आप सिलेक्ट हो जाओ, कि आपको जॉब मिल जाए, या फिर आप एक अपना इवन इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस ना, तो भी आप ये अपनी यूज कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? आपको गेट नोटिस, गेट हायर्ड है, सिमिलरली गेट नोटिस एंड गेट द कस्टमर्स, बिकॉज कोई भी बिजनेस बिना कस्टमर के लिए, विदाउट कस्टमर पॉसिबल नहीं है. सो अगर आप अपना जॉब करना चाह रहे हो, then also you can do this. If you want to start your business, then also you can use this particular slide. आप इसको अपना as a tips use कर लीजिएगा. All right? So look up for, get noticed, get hired. What does this mean? Get noticed, get hired. आप कैसे notice होंगे? अब हमने आज देखा कि किसी company में कोई vacancy है, अब उसको हम notice कैसे करवाएंगे? हम अपने Instagram पे, हम अपने Facebook पे, हम अपने WhatsApp पे क्या अच्छे अच्छे DPs डालने लग जाएंगे, अच्छे अच्छे status डालने लग जाएंगे? No. I told you one thing. Employer ke paas the only thing that he will have is your resume. So aapko ye cheez nahi bhulni hai that your resume should look professional. But usse bhi pehle hame ek cheez check karne ki hame apna resume bhejna kahan par hai. Usse bhi pehle hame ek cheez check karne ki hamara interest kis mein hai. So aapko kaise dekhna hai? Pehle aap apna interest check karoge, fir aap dekhoge us interest ke according aapki kaun si industry mein
कौन सी इंडस्ट्री में आप फिलहाल जा सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज देखिए अगर आप सब अभी ये सेमिनार अटेंड करें तो यू मस्ट बी प्लानिंग फॉर अ जॉब. तो फिलहाल के लिए जो हायरिंग इंडस्ट्री बेस्ट चल रही है दैट इज FMCG. बहुत अच्छा काम है FMCG का. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आई टोल्ड यू ऑटोमोबाइल में कमर्शियल की तो काफी डीग्रो हुआ है, बट इफ आई टॉक अबाउट FMCG गुड्स, तो सॉरी इफ आई टॉक अबाउट पैसेंजर व्हीकल्स, तो पैसेंजर व्हीकल्स में बहुत अच्छा ग्रो हुआ है. एंड हेल्थ ऑफ कोर्स वी नो, लॉजिस्टिक्स में भी बहुत अच्छा ग्रो चल रहा है, मेडिकल इज ऑल्सो गोइंग वेल. ऑनलाइन का काम, आजकल एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, पहले भी थी बट अब तो और भी ज्यादा हो गई है बिकॉज the people who care, the people who are concerned about their health, who are, the family who's concerned about their health and their members' health, wo sab cheeze aajkal online mil jayenge. So if you want to start your business, aap online industry opt kar sakte ho. There is a very good scope. If you want to work, you can work online as well. Bahut jaise Amazon hai, Amazon hire for chat assistants, theek hai, उसमें बहुत अच्छा घर बैठे आपको पे कर रही है Amazon. All you need is search, search, search. And there are many online industries such as जो भी अपनी इंडस्ट्रीज हैं आपको वर्क दे रही हैं. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन काम प्रोवाइड कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर मल्टी लेवल मार्केटिंग, यू कैन ऑप्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग. ऑल यू नीड इज आपको अपना नेटवर्क यूटिलाइज करना है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी अपना नेटवर्क समझ नहीं पा रहे, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव. आप ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जो ऑनलाइन आपको हेल्प करेगा. ऑनलाइन काम करने का बेनिफिट ये हो गया कि आपकी हेल्थ भी सेफ है और आप अपना अर्न भी कर रहे हो. आप जो स्टैंड होना चाहते हो आप वो भी स्टैंड हो जाओगे. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज वेयर टू लुक फॉर जॉब. ठीक है मैम, देख लेंगे. अब जॉब के लिए ढूंढे कहाँ पर, मुझे पता लग गया मुझे ऑटोमोबाइल में काम करना है, मुझे पता लग गया मुझे ऑनलाइन काम करना है, हम अब जॉब के लिए ढूंढे कहाँ पे. ऑफकोर्स लिंक्डइन is a very good platform. There are various recruitment agencies. आप उन एजेंसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. गंगानगर में भी हैं, अगर आप गंगानगर करना चाहें तो. बाहर भी हैं बहुत एजेंसीज, आप एक बार उनसे टाइप करके, उनसे बात करके देखिए, ठीक है, उनकी पॉलिसीज समझिए और उसके अकॉर्डिंग. क्योंकि आजकल वॉट इज द टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग वाई रिक्रूटमेंट एजेंसी. आजकल वॉट कंपनी डज इज, हम देखो कंपनी अगर एक एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेगी तो कंपनी के पास इतना ना ही टाइम है, ना ही कंपनी इतनी मैन पावर को अफोर्ड कर सकती है. बिकॉज पैंडमिक इज गोइंग ऑन, कोरोना इज गोइंग ऑन, कंपनी की जो भी सेल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो समहाउ कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे. तो वो जितना एम्प्लॉयज को कम से कम पैसा दें, जितने कम से कम एम्प्लॉयज हायर करें उनके लिए उतना ही बेटर है. सो वो क्या करती है, वो रिक्रूटमेंट, देखो अगर एक एम्प्लॉय पर्टिकुलरली इंटरव्यूज ही ले जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले रिज्यूमे स्क्रीन करने पड़ेंगे, फिर कैंडिडेट को कॉल करना पड़ेगा, फिर उससे फोन पे इंटरव्यू लेना पड़ेगा. सो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी. अभी मेट्रो सिटीज सच एज पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, इन सब सिटीज में ये सब चीजें होने भी लग गई हैं कि कंपनीज क्या करती हैं, जो भी उनकी वैकेंसीज है वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को बता देती है. सो व्हाट एजेंसी डज इज एजेंसी उनके बिहाफ पे हायरिंग करती है. इसका क्या एडवांटेज होता है कंपनी को कि कंपनी का मैन पावर का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता है, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज होती है. कंपनी डोंट हैव टू स्पेंड यूजलेसली ऑन द मैन पावर फॉर हायरिंग द कैंडिडेट्स. बहुत कंपनी डायरेक्ट भी हायरिंग करती है बट बहुत कंपनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू भी करती है. सो आपके पास एक ये भी, आपने डायरेक्ट हायर होना है तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी कंपनीज में जाना है, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए. अगर आपने रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू हायर करना है, अगर आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर देंगे. फिर रिक्रूटमेंट साइट्स होती हैं सच एज Naukri.com, SarkariJob.com, एंड देर आर मेनी सच रिक्रूटमेंट साइट्स जिसको आप विजिट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द ऑप्शंस कि आप ऐसे ऐसे करके अपनी अपनी प्लान कर सकते हैं. अब ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द कंपनी, बेस्ट कंपनीज ऑफ द मार्केट, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द इंडिया, आपको पता होंगे सच एज HCL, Maruti, any banks, there सारे banks जो हैं, they are very good. तो आप इनकी official websites पर जा सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें एक option होता है recruitment का या career objectives का option मिलेगा आपको. उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उस company में कितनी vacancies है and how to apply for that vacancy. I would suggest ये जो official website of company है, आपको अगर एक mindset थोड़ा सा clear है कि मुझे इस company में job करनी है, कंपनी भी छोड़ो, आपको अगर ये पता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में जॉब करनी है, आपको सिर्फ एक चीज फिगर आउट करनी है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जॉब करनी है. उसके बाद आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो कंपनीज चेकआउट कर सकते हो.
आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उस कंपनी को चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है, और जो भी आप 4-5 कंपनीज शॉर्टलिस्ट करोगे उस कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेना और उसमें करियर ऑब्जेक्टिव में जाके चेकआउट कर लेना. सो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना इज एब्सोल्युटली, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा. ऑल यू नीड इज टू थिंग्स, कि आपको आपका जो रिज्यूमे है वो एक प्रोफेशनल वे में स्टार्ट कर तैयार करना होगा और उनको अप्रोच करना होगा. एंड ऑफ कोर्स आप में वो स्किल होना चाहिए कि कंपनी आपको डेफिनेटली हायर कर ले. अगर कंपनी किसी इंजीनियर को हायर कर रही है और बीकॉम वाला उसके लिए अप्लाई करे तो दैट मेक्स नो सेंस, राइट? अकाउंटेंट को हायर करिए, बीटेक वाला उसके लिए अप्लाई करे, दैट मेक्स नो सेंस कि नहीं चलो जॉब तो मिल जाएगी ना. सो लुक फॉर दैट थिंग कि आपके पास वो एग्जैक्ट स्किल होना चाहिए जो रिक्वायर्ड है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कनेक्ट विद योर नेटवर्क्स. ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आस्क योर प्रोफेसर्स, आस्क योर टीचर्स, और आई कैन हेल्प यू आउट विद सेम. आप किसी से भी पूछिए, आई एम ऑल्सो देयर फॉर यू, योर टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू. आप किसी से भी पूछिए कि वॉट आर द वैकेंसीज गोइंग ऑन, मैम कुछ बताओ कि कहाँ पर अप्लाई करूँ, कहाँ पर ना अप्लाई करूँ, कैसे करना चाहिए. योर टीचर्स नो यू सो वेल, आई कैन ग्रेंट यू दिस थिंग. रूही मैम नोज मी सो वेल, शी हैड फेथ इन मी कि नहीं तू कर लेगी, तू कर लेगी, एंड लुक आई डिड. सो दैट इज ऑल वॉट योर प्रोफेसर्स डू फॉर यू. Now, the next thing is internship supervisor. आपने बीटेक की है, एमबीए करी है, आपने इंटर्नशिप करी होगी. आपकी इंटर्नशिप के टाइम पे आपका गाइड कैसा था? प्रोफेसर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद, क्योंकि आप प्रोफेसर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ दो दो तीन तीन साल से, चार साल से होते हो, तो टीचर्स को पता होता है कि ये स्टूडेंट क्या कर सकता है, इसमें क्या कैलिबर है, आपसे ज्यादा वो जज कर लेंगे आपको. सो इसमें आपकी हेल्प करेगी इंटर्नशिप सुपरवाइजर. आपको किस चीज में हेल्प करेगा कि आपने ये काम किया था, आप इस काम की बजाय इस काम में बेटर हो, या आप ये वाला काम बहुत बेटर कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फैमिली एंड फ्रेंड्स. यू कैन अप्रोच योर फैमिली. द फैमिली मींस योर कजिन्स, योर सिबलिंग्स, एनीबडी, दोज आर इन गुड कंपनीज. आप उन्हें अप्रोच कीजिए, आस्क देम वेदर योर कंपनीज आर वर्किंग और नॉट, उस हिसाब से आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर लीजिए. एंड अगेन रिक्रूटिंग एजेंसीज, आप उनसे पूछ सकते हैं. रिक्रूटिंग एजेंसीज, यू जस्ट नीड टू गूगल अप व्हाट आर द रिक्रूटिंग एजेंसीज अराउंड, एंड उसके बाद सारा काम वो आपके लिए करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज इंटरव्यू टिप्स. अब आपको ये चीज सब कुछ हो गया, हमने रिक्रूटिंग एजेंसी से बात कर ली, या फिर हमारी हमारी कजन है वो बैंगलोर में एचसीएल में काम करता है, वो कहता है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऐसा कर एक बार इंटरव्यू दे दे, दे दूंगा इंटरव्यू, दे दूंगी इंटरव्यू. अब नाउ द थिंग इज इंटरव्यू टिप्स तो होनी चाहिए ना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू टिप्स के बिना यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आपको सब हो गया, कंपनी ने आपका रिज्यूमे, सपोज आपने रिज्यूमे बहुत अच्छे से प्रोफेशनल वे से रेडी कर लिया या करवा लिया इन ईदर ऑफ द केसेस, बट हाउ विल कंपनी हायर यू अंटिल यू हैव द इंटरव्यू टिप्स? इंटरव्यू स्किल्स ही नहीं है आपके पास तो. सो इंटरव्यू स्किल्स में आपके पास होना चाहिए. टेलर्ड रिज्यूमे मीन्स, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो अपना वो चेंज करेंगे. टेलर्ड रिज्यूमे मीन्स आपको उस कंपनी के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे तैयार करना होगा. प्लीज एक ही रिज्यूमे को जनहित में जारी मत कीजिएगा. आपका जो रिज्यूमे है वो डिफरेंट होगा हर चीज से, हर कंपनी के लिए डिफरेंट होगा, हर एम्प्लॉयर के लिए डिफरेंट होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रिपेयर योर कवर लेटर, डू योर होमवर्क. इंटरव्यू टिप्स में दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका जो टेलर्ड रिज्यूमे होता है, सेकेंड है डू योर होमवर्क. डू योर होमवर्क का क्या मतलब है? कोई आपको एम्प्लॉयर, जो भी इंटरव्यूअर है आपका, एक दिन पहले फोन करके कहेगा कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बना के लाना? नो. डू योर होमवर्क का क्या मतलब होता है कि आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका इंटरव्यूअर है, वो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं. सच एज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, ओके व्हाई डिड यू चूज माय कंपनी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. सो ऑल दीज क्वेश्चंस, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, यू शुड नो दिस थिंग. आपने किस जो आप वहां पे जाके को मैंने तो अप्लाई कर दिया, मुझे तो भाई जॉब दे दो, ऐसा नहीं होता है. आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो. नेवर फॉरगेट दिस थिंग कि आप कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, बिकॉज इफ यू नो दिस थिंग तो आप उसके अकॉर्डिंग सर्च करके जाओगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप बता पाओगे. लेट योर स्किल्स बी योर गाइड. इसका क्या मतलब है कि जो आपकी स्किल्स होंगी ना वो आपको गाइड करेंगी. सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर द जॉब ऑफ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, दिस मींस अगर ये वाली जॉब है तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स है अल्टीमेटली आप उसके साथ इंटरव्यू में बात कर रहे हो तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ये CSR की जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सपोज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, मेरे को ज्यादा लोगों से बात करना नहीं अच्छा लगता, तो मैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकती हूँ? बिकॉज जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है उसको तो दिन में पता ही नहीं कितने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, तो इन दैट केस हम ना ही उस जॉब के लिए, आप वहां पर जाओ आप सिर्फ येस नो में आंसर दे रहे हो, आप उसको कुछ समझा नहीं रहे हो, इंटरव्यूअर को कुछ बता नहीं रहे हो, तो आपकी वो स्किल आपका गाइड नहीं बन रही है। सो लेट योर स्किल्स बी योर गाइड, बट येस इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब ऑफ समथिंग वेयर यू हैव टू बैक ऑफिस जॉब, जहाँ पे आपको सारा दिन एमएस वर्ड पे काम करना है, एमएस ऑफिस में काम करना है, एक्सेल आई एम परफेक्ट एक्सेल, ओके सो आप उसको बोलोगे कि मुझे ये वाली जॉब, आई हैव अप्लाइड फॉर दिस दिस जॉब, whereas that person will be knowing this thing, क्योंकि जब आप अपना application दोगे उसके अंदर आप लिखोगे कि आप कौन सी job के लिए apply कर रहे हो, but still अब आप उसमें suppose आपको अगर system दे दिया, जो कि I'll tell you this thing personally, मैंने खुद ने बहुत interviews conduct किया, as I told you मैं HR का काम भी कर रही हूँ, तो इसमें क्या होता है कि वो अगर मान लो सेल्समैन आया है तो मैं उसको ये नहीं कहती हूँ कि गाड़ी सेल करके बताओ, बिकॉज गाड़ी की तो उसको नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज उसके लिए तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या सीसी क्या ये क्या वो, है ना, बट उसको अपने सेलिंग टेक्निक है या नहीं है। आई आस्क हिम टू सेल अ बॉटल ऑफ वाटर टू मी, आई आस्क हिम टू सेल अ बॉटल ऑफ वाटर टू मी इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक, वॉट एवर द थिंग इज। सेकेंड थिंग इज इफ समबडी इज कमिंग फॉर बैक ऑफिस जॉब, अगर आप इंटरव्यूअर हो तो आपके हाथ में 100% इंटरव्यूअर के हाथ में एक लैपटॉप होगा, आपको लैपटॉप पकड़ा देगा, मुझे यूज करके बताओ, आप बैक ऑफिस के जॉब के लिए जा रहे हो, उन्होंने काम सारा दिन एक्सेल पे कराने और आप कंप्यूटर फ्रेंडली हो ही नहीं, सो नेवर डू दीज थिंग्स, लेट योर स्किल्स बी योर गाइड, जो आपकी स्किल्स हैं वो आपको गाइड करती रहे एंड पास ऑन द इंटरव्यू, बी फ्लेक्सिबल। नहीं जी मैम मैं तो इसी जॉब के लिए आया था और मैं तो सोच के आया था कि मैं तो 20,000 ही लूंगा, देनी है दो नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, सो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू बी वेरी हम्बल, humble means very polite when it comes to an interview. Suppose aapne expect kiya tha aapko 20,000 salary milegi, wo aapko 10,000 salary provide kar raha hai, na hum usko direct aise matlab nahi ma'am aapko kya lagta hai maine mba kar li itni maine mba pe study kari ab kya main 10,000 mein aaunga, no, just say ma'am is there any scope of negotiation, ma'am I would request you to please revise amount by a little, isse kya hota hai samne wala bhi impress hota hai is cheez se ki yes इसको एटिकेट्स पता है, इसको इंटरव्यू टिप्स पता है, ये समझ के आया था, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इसको इतनी सैलरी दूंगी या दूंगा और उस बेसिस पे ये देखो प्रिपेयर होकर आया है, ठीक है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, नेवर से नो ऑन देयर फेस, उनको बोलो ओके मैम आई लेट यू नो, मैंने इतनी, सपोज आप इमीडिएट सिलेक्ट हो जाते हो तो इन दैट केस अगर आपको इतनी सैलरी पे नहीं काम करना है या आपको उस जॉब प्रोफाइल पे नहीं काम करना है तो आपको उनको ये बोलना चाहिए कि ओके मैम आई लेट यू नो, ठीक है। उसके बाद अगर आप दो दिन बाद उनको कॉल करके बोलोगे कि सॉरी मैम मैं ये नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो आपसे डेफिनेटली पूछेगा या पूछेगी मे आई नो द रीजन, तो इन दैट केस आप फिर आपके पास एक एडवांटेज होगा। अगर आप वहां पे सीधा उठ के आ जाते हो, आप वहां पे सीधा कहते हो जी देनी है दो मैम मैं तो इतने पे काम कर सकता, मेरे तो समझ से परे है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, इन दैट केस आपके लिए उस पर्टिकुलर कंपनी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, दैट विल लीव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। और एक चीज बच्चे हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, बहुत नेटवर्क्स होते हैं कंपनीज के, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता चलेगा आपने वहां पर क्या इंप्रेशन लीव करा है क्या नहीं करा है उस इंडस्ट्री में, एंड स्पेसिफिकली इन अ सिटी लाइक गंगानगर इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो एक मिनट में बात इंडस्ट्री में रीच हो जाएगी कि इस पर्सन का ये एटीट्यूड था इंटरव्यू के टाइम पे, सो ऑलवेज लीव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, always leave a positive impact on the mind of an interviewer, so that in case us person ko future mein kahin pe bhi salary badhane ka option mile, aapki jo favorite job profile thi wo dene ka option mile, to wo banda aapko consider kare hi kare. Now I hope I have made myself clear, so now let's talk about the common obstacles. Obstacles se kya matlab samajhte hain aap log? ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है रुकावटें, रुकावटें मतलब हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मींस उलझने जो भी आ सकती हैं। अगेन यू आर नॉट रोबोट प्रूफिंग योर एप्लीकेशन, आप भी रोबोट नहीं हो, आपका जो सामने वाला एम्प्लॉयर है वो भी रोबोट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास एक ही एप्लीकेशन है, एक ही मेरे पास रिज्यूमे है, एक ही कवर लेटर है, वो ही सारे एम्प्लॉयर्स को भेज दे इकट्ठे बल्क में,
अब तो मेरी जान छुट्टी, अब जिसका मन करेगा, जिसको मैं पसंद आऊंगा या आऊंगी वो मेरे को फोन कर लेगा. नो, प्लीज डोंट डू दैट. आपको आपका रिज्यूमे हमेशा टेलर करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही आप रोबोट हो ना ही सामने वाला रोबोट है. तो यू आर नॉट रोबोट प्रूफिंग योर एप्लीकेशन. मीन्स अपनी एप्लीकेशन को प्लीज एज अ रोबोट मत ट्रीट कीजिए कि इसको मैं जो भी गाइड कर दूंगा. वही बात कि एक ही रिज्यूमे जनहित में जारी, हमें जनहित में जारी नहीं करना है, क्योंकि हमने जॉब लेनी है. तो हमें जॉब से पहले भी मेहनत करनी पड़ेगी उस जॉब को लेने के लिए. जॉब के बाद जॉब मिल गई फिर तो वहां पर आप एक दिन नहीं भी काम करोगे तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आप दो दिन आपका नहीं मन है काम करने का, आप लीव लेकर घर बैठ जाओ, आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही. बट जॉब लेने से पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा. आपको लग रहा है कि आज आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना रिज्यूमे मत डालिए, आज आप अपना रिज्यूमे मत दीजिए. आप जिससे भी बात चल रही है आप उसको बोल दीजिए कि मैम गिव मी अ डे, आई विल सेंड यू माय रिज्यूमे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास जो रिज्यूमे पड़े, हाँ जी मैम अभी आप फोन रखिए मैं दो मिनट में रिज्यूमे भेज देता हूँ या भेज देती हूँ, तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा दो मिनट में भेज देता हूँ या भेज देती हूँ का क्या मतलब हुआ कि रोबोट प्रूफिंग किया है इसने. सो डोंट डू दैट. फाइन. लैक ऑफ यूसेज ऑफ पर्सनल कनेक्शंस. आई टोल्ड यू क्या करना चाहिए कि आई टोल्ड यू हियर कनेक्ट विद योर नेटवर्क्स में. आई टोल्ड यू कि फैमिली एंड फ्रेंड्स से कनेक्ट कीजिए. सो फैमिली एंड फ्रेंड्स से कनेक्ट करो नहीं करना इज अनदर योर कॉमन ऑब्स्टेकल. अब आप आफ्टर दिस वेबिनार एक बार सोच के देखिएगा कि कितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो अच्छी कंपनीज में एम्प्लॉयड है. नहीं है कॉन्टैक्ट्स, ना ही मेरे फैमिली एम्प्लॉयड है ना ही मेरे फ्रेंड एम्प्लॉयड है. आस्क योर टीचर्स. आई गेस आपको आपकी टीचर्स से बेटर और कोई गाइड नहीं कर पाएगा. एंड योर टीचर्स विल नेवर एनवे यू कि नहीं नहीं इसको मैं क्यों बताऊं, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है. हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड के कोई कॉन्टैक्ट्स में हो जो अच्छी जगह पे जॉब कर रहा हो, आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब कर रहा हो. और मे बी ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके जो टीचर्स हैं उनके कोई नोन में अच्छी जगह, आपके टीचर्स तो ऑलरेडी शी इज योर टीचर, ही इज योर टीचर, उनको आप कहीं पे मतलब उन्होंने जॉब पे नहीं जाना तो जहां पर उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज काम करें वो आपको रिकमेंड कर देंगे. सो बी अ लिटिल एक्सट्रोवर्ट व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ जॉब. एक्सट्रोवर्ट मींस अंदर दब के नहीं रहना है, यू विल हैव टू शाइन आउट. आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि मुझे जॉब चाहिए. चाहिए का मतलब ये नहीं होता कि मुझे रिक्वायरमेंट है, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. नहीं, आज के टाइम पे हर पर्सन को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. आप फैमिली बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आपको घर से पैसा नहीं लेना नहीं देना, इट्स ओके. आपको फैमिली को नहीं फीड करना, इट्स ओके. फीड योरसेल्फ, है ना. बी इंडिपेंडेंट, डोंट बी अ बर्डन ऑन योर फैमिली. ऑल्दो वी आर नेवर अ बर्डन ऑन योर फैमिली, बट अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, योर फैमिली विल फील प्राउड ऑन यू. चाहे आप 20,000 कमा रहे हो और आपकी फैमिली की एक साल की इनकम करोड़ में क्यों ना हो, तो भी आपकी फैमिली विल गेट हैप्पी कि मेरा बच्चा एम्प्लॉयड है, मेरा बच्चा काम कर रहा है. उनको ऐसे लगेगा कि हमने जो भी मेरे बच्चे के लिए किया था, जो भी हमने बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करी थी, वो आज हमारी हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है. अच्छा, एक और कॉमन ऑब्स्टेकल हो सकता है, दैट इज यू आर लूजिंग एट इंटरव्यू. इंटरव्यू पे आप लूज कर रहे हो. और मेन रीजन इंटरव्यू पे लूज करने का दो हो सकता है. एक तो आप सिलेक्ट ही नहीं हुए, वो तो एक अलग चीज होगी कि आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं था, आप सिलेक्ट नहीं हुआ. बट इसके अंदर जो मेन रीजन हो सकता है यू आर लूजिंग एट इंटरव्यू का, वो ये हो सकता है कि आपने जो होमवर्क था वो अपना प्रॉपरली नहीं किया. बाकी सब चीजें एक अलग रह गई. अगर आपने अपना होमवर्क प्रॉपरली नहीं किया तो यू विल डेफिनेटली लूज एट इंटरव्यू. देखो, मैंने जैसे आपको जो ये 5-6 क्वेश्चंस बताए प्लस 2-3-4 क्वेश्चंस और होते हैं, हम अगर ये 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हैं, है ना, वो 10 में से मान लो 10 नहीं पूछेगा, पर वो फिर भी वो पता है 4 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा. क्या क्वेश्चंस होते हैं वो 4 जो मैंने अभी बताए थे. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 इयर्स फ्रॉम नाउ. ये तो, और उसके साथ साथ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये 4 क्वेश्चंस हैं. या फिर आपको मतलब व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, उस कंपनी के बारे में आपको स्टडी करके जाना पड़ेगा. व्हाट डू यू नो अबाउट द जॉब प्रोफाइल, ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे पड़ेंगे. ठीक है, सपोज आपने वो 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए, जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं 10 में से वो ये 4 तो पूछेगा ही पूछेगा. वो 5th आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो आपको नहीं आता है, एट दैट टाइम इवन इफ यू विल से ना सॉरी मैम आई डोंट नो अबाउट दिस, सॉरी मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, यस मैम आई रेड द सेम बट आई फॉरगॉट. अगर आप ये चीज बोलोगे तो उसका ये एडवांटेज है कि आपने जो बाकी क्वेश्चन है ना वो प्रॉपरली दिए थे. फाइन, बाकी क्वेश्चन प्रॉपरली दिए थे तो इस वाले क्वेश्चन का अगर आपने आंसर नहीं भी दिया तो उसको समझ आ जाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको ये आंसर अगर नहीं भी आता. मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपने अगर MBA कर ली, MBA में आपने 40 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट पढ़े हैं, तो 40 के 40 सब्जेक्ट्स आपको लर्न होने चाहिए. नो, नॉट एट ऑल.
आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि अगर मेरे को ये आंसर नहीं आता है तो उसको मना कैसे करना है. पर आप सारा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आप सिर्फ अपना नेम बता दो, उसको पूरा अपना इंट्रोडक्शन ना दो, सैलरी एक्सपेक्टेशन मैम कुछ भी दे दो या आप एक एग्जैक्ट फिगर बोल दो, है ना, और उसके बाद आप ये भी कह दो कि मुझे अब नॉलेज भी नहीं है मेरे पास, फिर ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल वेस्ट है. फिर आपकी जितनी मर्जी नॉलेज है, अगर आपके पास ये भी क्वेश्चंस नहीं आपके प्रिपेयर्ड है तो आपको किसी भी कॉस्ट पे हेल्प आउट नहीं हो सकता है. बट अगर आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड है और नॉलेज समवेयर आप लैक कर रहे हो किसी भी चीज को लेकर, तो आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि मैम राइट नाउ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बट डेफिनेटली आई विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट. एक चीज याद रखना एवरीबडी, आई वुड रिक्वेस्ट योर काइंड अटेंशन फॉर अ मिनट. अगर आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा बोला है कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, मैं इसको डेफिनेटली प्रिपेयर कर लूंगा, वो कहती है ठीक है, या सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है मैं डेफिनेटली प्रिपेयर कर लूंगी, ठीक है जी कर लेना, आप प्लीज घर आके उस प्रीमिसेस से बाहर निकल के, इंटरव्यू प्रीमिसेस से बाहर निकल के वो क्वेश्चन जरूर लुक आफ्टर कर लेना. कोई भी ऐसा इंटरव्यूअर बैठा हुआ जो बहुत ही ज्यादा मतलब दैट पर्सन इज सो मच इनटू एचआर, तो वो पर्सन विल डेफिनेटली मेक अ कॉल बैक टू यू कि अच्छा सपोज व्हाट सपोज आई हैव मिस्टर एक्स, आई इंटरव्यूड मिस्टर एक्स, तो मैं मिस्टर एक्स को कॉल करके पूछ सकती हूँ ये चीज कि मिस्टर एक्स यू टोल्ड मी कि मेरा ये क्वेश्चन था, यू टोल्ड मी दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस आंसर, तो अब बता दीजिए मुझे इस आंसर के बारे में. And if it happens, आपने उसको वो answer दे दिया, definitely you are selected. पहली बात तो if you are not selected, तो वो आपको phone करके question करेगा नहीं. अगर उसको 99% अच्छे लग रहे हो, आप 1% knowledge का उसको problem था, तो वो आपको phone करके आपसे question पूछ भी सकता है कि आपका ये question आपको prepare हो गया था, आपने मुझे कहा था prepare कर लोगे. फिर अगर आप उसको कहोगे कि नहीं मैम मैंने नहीं prepare किया या sorry मैम मुझे अभी भी नहीं आता है, that will leave a very false impression of yours. फिर उसके बाद the next common obstacle is your expectations are too high. इसका क्या मतलब है? मैं तो आज मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं तो एक मैनेजर लेवल से स्टार्ट करूंगा और कम से कम 35,000 to 40,000 तो मेरी सैलरी होनी चाहिए. No, this is never the way. Your expectations should be always flexible. Okay, cover letter shouldn't look like a resume. So I told you, your resume should look like a resume and cover letter should look like a resume, should look like a cover letter. In dono cheezon ko club up mat kar dena, tailor up your resume. And resume shouldn't be one size fits all, which means ki hame resume janhit mein jari nahi karna hai, company ke according hame usko tailor up karna padega, jis bhi company ke liye ja rahe hain. Your expectations are too high. Main aapko ek bahut acha example, bahut achi ek लाइन बोलना चाहूंगी. इसके अंदर क्या होता है कि हम एक नॉर्मल है कि मैंने जी इस कंपनी में तो काम करना ही नहीं है, स्टार्टअप है ये, तो मैंने तो इस कंपनी का नाम सुना ही नहीं है. ऑल्दो दैट कंपनी इज पेइंग गुड, है ना, क्योंकि आपने नाम नहीं सुना, क्योंकि वो कंपनी ब्रांड नहीं है. मैं नहीं इस कंपनी में जा सकता क्योंकि दिस कंपनी इज नॉट अ ब्रांड. मैं नहीं इस कंपनी में जा सकती क्योंकि इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा. प्लीज डोंट कैरी दैट एटीट्यूड. व्हाट यू नीड टू डू इज बी अ ब्रांड and let brand call you. आप खुद एक ब्रांड बनिए और दूसरे ब्रांड को ऐसा मोटिवेट कीजिए कि वो आपको कॉल करे. वो कैसे करेंगे? कोई भी कंपनी हो, कंपनी नेवर मैटर्स, ऑल व्हाट मैटर्स इज योर स्किल्स. जिस भी कंपनी में हो आप कोई बात नहीं, बट अगर आप में वो स्किल्स हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. फाइन, सो बी अ ब्रांड एंड लेट ब्रांड कॉल यू. Now, skills. As I told you, interview के time पे जो चीजें आप में होनी चाहिए, first impression में आपके सारे personality traits आ जाएंगे. How you look, how are you dressed, how the etiquettes you carry, whether you take permission or not, the way you sit, the way you move your hands, the way you carry yourself, the accessories that you are wearing, everything. And you know what? First impression सिर्फ first 10 seconds में form कर लेता है कोई भी employer है जो. फिर उसके बाद है गेट नोटिस्ड. गेट नोटिस्ड कितनी परसेंटेज कैरी करता है? 89% यू नीड टू गेट नोटिस्ड. आपको नोटिस होना पड़ेगा. फिर नॉलेज, एज आई टोल्ड यू, नॉलेज 1% नहीं भी है, सो नॉलेज कैरी होनी चाहिए. नॉलेज आपको बिल्कुल ही नहीं नॉलेज है, इट मेक्स नो सेंस. बट अगर आप 73% नॉलेज कैरी करते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है. बट उससे भी ज्यादा फर्स्ट इंप्रेशन जरूरी है. स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, दैट यू नीड
83% कि आपको दूसरों से बेटर. ऑफ कोर्स आप दूसरों से अगर मान लो इक्वल भी दिख रहे हो या 99 भी दिख रहे हो, बट इफ यू हैव लेफ्ट अ वेरी गुड फर्स्ट इंप्रेशन दैट इज फॉर्म्ड विद इन 10 सेकंड्स, दैट विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द वे यू कैरी योरसेल्फ. तो अगर आप क्राउड के इक्वल भी कैरी कर रहे हो, खुद को स्टैंड कर रहे हो, तो भी इट डज नॉट मैटर अलॉट एंड यू शुड लुक वेरी प्रॉमिसिंग. उसको इंटरव्यूअर को किसी भी चीज पे हमें ना नहीं करनी है. डेफिनेटली मैम कुछ नहीं आता, मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग, बट डेफिनेटली आई विल लर्न. मेरे को चीजें सीखना बहुत पसंद है, आई विल कीप ऑन लर्निंग. सो आप उसको ऐसे करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हो. बी अ यस बॉस टाइप ऑफ पर्सन. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग योर फर्स्ट जॉब. सिर्फ इसके 10 पॉइंट्स हैं, आई विल नॉट गो थ्रू द पॉइंट्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, बट आप एक बार ये पॉइंट्स देख लीजिए कि कैसे एक जॉब के लिए फाइंड करें. सर्च फॉर अ जॉब, यूज फॉर स्मार्टफोन. मेरे को पहले हमने अपना इंटरेस्ट देख लिया किसमें है, फिर उसके बाद हमने हायरिंग इंडस्ट्री देख ली. अब अपना फोन उठाइए और उस जॉब के लिए सर्च कीजिए. फिर है टेलर योर रिज्यूमे. जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं आपका रिज्यूमे उस कंपनी के हिसाब से होना चाहिए. जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं आपके उस रिज्यूमे में वो स्किल होनी चाहिए. आपका रिज्यूमे से ही सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा. सामने वाला आपके बारे में कुछ नहीं जानता है. दैट पर्सन डज नॉट नोज एनीथिंग अबाउट यू. If you want him to ask the questions, वो सब आप पे डिपेंड करता है. आपने कुछ भी उसमें ऐसी चीज मेंशन कर दी जिसका आंसर आपको नहीं पता, वो आपके लिए डिसएडवांटेज होगा. आपने उसमें कुछ भी ऐसी चीज मेंशन करी जिसका आंसर आपको पता था और उसने और उसमें मेंशन आपने करी नहीं है, तो वो आपसे क्यों वो क्वेश्चन पूछेगा? पूछेगा ही नहीं. सो पता है जो लूप होल्स होते हैं वो हम अपने रिज्यूमे में लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इंटरव्यू में स्ट्रक ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरव्यू हमें ऐसे लगता है यार इसने ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया. एक सिर्फ जॉब प्रोफाइल या नॉलेज से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन है जो वो आपसे पूछ सकता है अपनी मर्जी से. बाकी सारे क्वेश्चन वो आपके आपके इंटरव्यू से पूछेगा. आपने उसमें लिखा आपने ये अचीव किया हुआ है, कैसे किया, कब किया. एक चीज हमेशा याद रखना, आप सामने वाले को जो आपका इंटरव्यूअर है उसको अगर ये चीज समझा रहे हो कि मेरे पास ये टैलेंट है, ये स्किल है, आपके पास उस टैलेंट और स्किल से रिलेटेड एग्जाम्पल भी होना चाहिए. अगर आप उसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करोगे सामने वाले को ऐसे लगेगा कि ये बंदा सच बोल रहा है या ये पर्सन सच बोल रहा है. सो ऑलवेज रिलेटेड विद द एग्जाम्पल्स कि मैं बहुत प्रॉमिसिंग हूँ या मैं बहुत डिटरमाइंड हूँ. मैं इसलिए डिटरमाइंड हूँ क्योंकि 12th में मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे, बट 12th में ना ड्यूरिंग माई प्री बोर्ड आई गॉट सिक. मुझे XYZ फीवर हो गया था, बट स्टिल आई मैनेज्ड to back up with my studies and I managed to get 85% in my standard 12. So, अब उसको लग गया. अब उसको ऐसा नहीं लग रहा कि हमने ऐसे कुछ भी बोल दिया, हमने हवा में तीर नहीं मारा है, ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में तो मुझे पता चल रहा है कि मैं इतना प्रॉमिसिंग हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ. फाइन. जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे शुड कंटेन द राइट वर्ड्स. अगेन एज आई टोल्ड यू, टेलर अप योर रिज्यूमे. जो भी सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके रिज्यूमे में होना चाहिए, उसमें राइट कीवर्ड्स होने चाहिए. आप ग्रेजुएट हो, यूज द वर्ड ग्रेजुएट. आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, यूज द वर्ड फ्रेश ग्रेजुएट. आप एक्सपीरियंस्ड हो, यूज द वर्ड फ्रेश ग्रेजुएट. बी इरेसिस्टेबल टू एन एम्प्लॉयर. इसका क्या मतलब होता है? सामने वाले पे एक ऐसा इंप्रेशन लीव करना कि दैट पर्सन नेवर फॉरगेट्स यू. इरेसिस्टेबल Irresistible का क्या मतलब होता है कि सामने वाला आपको चाहकर भी इग्नोर ना करे. अब आप नेक्स्ट वाला अगर पॉइंट देखें, मैंने शॉपिंग कार्ट बनाया है, उस पे जो आइकन लगा हुआ है वो शॉपिंग कार्ट का है. अच्छा, इफ यू गो फॉर मॉल्स, इफ यू गो फॉर शॉपिंग इन द मल्टीप्लेक्सेस, इफ यू गो फॉर शॉपिंग इन द मार्ट सच एज रिलायंस मार्ट, आपको पता होता है आपको क्या चाहिए, है ना. वॉट यू डू इज आप उसको उठाते हो और उसमें डाल लेते हो. आप ऐसा तो नहीं है सारा का सारा मार्ट ले आते हो. It never happens. Departmental store हम गए और सारा का सारा departmental store घर लिया क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमने क्या लेना. It never happens. तो shopping cart में हम क्या चीज डालते हैं? जो हमें चाहिए. So know what employers are looking for. आपको पता होना चाहिए आपके employers क्या look कर रहे हैं, आपके employers को क्या चाहिए. जिस भी industry के लिए आप interview देने जा रहे हैं, जिस भी company के लिए आप interview देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वो क्या ढूंढ रहे हैं. उस talent को उठाओ और अपने shopping cart में डाल दो. Fine. नेक्स्ट है बीट योर कॉम्पिटिशन. ऑफकोर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे बहुत सारे लोग हैं आगे पीछे कर रहे हैं, बट आपको इसमें क्या करना है, आपको ग्रीन वाला बनना है. दैट यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. देखो एक तो वो आगे गया, सो गया, इसके बाद उसने एक जंप लिया है जिससे वो
इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस, तो दिस मीन्स वो स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड हो गया. सिर्फ वो आगे ही नहीं गया बट उसने एक ऐसी बात करी है जिसकी वजह से उसने अपने कॉम्पिटिशन को भी बीट किया है. डोंट सैबोटेज योरसेल्फ, ये अलार्म क्लॉक लगा है. इसका क्या मतलब है? अलार्मिंग रिस्क, खतरे की घंटी, खुद के लिए खतरे की घंटी मत बनिएगा. कैसे नहीं बनना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं बोलनी है, ऐसी कोई भी चीज अपने रिज्यूमे में नहीं लिखनी है जो कल को आपके लिए डिसएडवांटेज प्रूव हो जाए. डू होमवर्क, नो अबाउट व्हाट क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड. इसका क्या मतलब है? एज आई टोल्ड यू कि जो जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे वो आपको पता होने चाहिए और उसके लिए प्रिपेयर करके जाना. उसके बाद अगर क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं. मेक श्योर यू गेट हायर्ड. ऑफ कोर्स जॉब सब कुछ हो गया पर आप हायर ही नहीं हो पाए तो क्या फायदा? तो एट लास्ट उस पर एक ऐसा इंप्रेशन लीव करके आना दैट यू आर गेट हायर्ड एंड नेगोशिएट अ गुड सैलरी. जब सब हो जाए फिर उसके बाद सैलरी की बात करनी है. एंड वन थिंग मोर, आपको कभी भी सैलरी एक न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं बोलनी होती है, एक फिगर नहीं बोलना होता है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए. नेवर से दैट. मे बी दैट कंपनी उतनी सैलरी ऑफर ही ना करती हो तो आपके सब कुछ हो गया, सिर्फ आपका few thousands के पीछे आपके हाथ से जॉब जाए, makes no sense. Maybe उसको आप इतने अच्छे लगे हो कि आप उसे expect करो कि वो आपको 20 दे, but वो company 25 देना चाहती थी आपको, but अब आपने खुद ने मांग के 20 ले लिया तो वो क्यों 25 देगी आपको? So negotiate a good salary. कब? जब सामने वाला आपको अमाउंट बोल दे इतनी, फिर negotiate करो. Until and unless वो अमाउंट ना बोले तब तक आप यही बोलो, as per my expectation, as per my knowledge, as per my skill set, as per my education. Whatever you feel good, whatever you feel I am suitable for, whatever you think I am suitable for, fine. Aur uske baad never say the figure until and unless samne wala bole. Samne wala means interviewer bole. So with this I like to end up the session and the conclusion of this. If I particularly talk about pandemic, employers are actually hiring. Employers are hiring. आपको एक चीज करनी है कि आपको चेकआउट करना है. आप सारी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जॉब मार्केट को, बट यू कैन श्योरली कंट्रोल बींग प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. आई कैन हेल्प यू आउट विद द सेम. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ योर प्रोफेसर एनी टाइम. कुछ भी रहता है प्लीज प्लीज प्लीज, आप अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी सिलेक्टेड है, आपका इंटरव्यू कहीं होने वाला है, जस्ट डोंट फॉरगेट टू टेक द टिप्स फ्रॉम एनीबडी, हूएवर यू थिंक योर मेंटर इज, ठीक है? उसके अलावा प्लीज 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 कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड. इंटरव्यू प्रिपरेशन इज मस्ट. टू गेट अ जॉब ऑल यू नीड इज इंटरव्यू प्रिपरेशन या इंटरव्यू स्किल्स ट्रेनिंग. अगर आपके पास ये है 90% केस में आप सिलेक्ट हो जाएंगे. एंड योर रिज्यूमे बिल्डिंग, आपका एक रिज्यूमे बहुत अच्छे से बिल्डअप होना चाहिए, उसके साथ एक कवर लेटर होना चाहिए. रिज्यूमे अपने प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से जरूर बिल्ड कीजिएगा. द एरा हैव चेंज्ड एंड दिस पेंडेमिक हैव चेंज्ड इट इवन हार्डर. सो फॉरमोस्ट यू शुड बी कंफर्टेबल यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक स्काइप एंड जूम. डोंट फॉरगेट कि आपका आजकल जो इंटरव्यूज चल रहे हैं वो स्काइप और जूम के बेसिस पे चल रहे हैं. So, आप वो अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए. अगेन इस सारे सेशन का जो क्रक्स है वो ये चीज है कि प्लीज डोंट स्टिक ऑन टू प्लान ए. प्लान ए है तो मैं हूं, प्लान ए नहीं है तो मैं नहीं हूं. यू शुड हैव प्लान बी सी डी एन नंबर ऑफ प्लान्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2 महीने करके चीज छोड़ दो, बट अगर आपको नहीं लग रहा है कि उस चीज में आपको कोई इशू आ रहा है तो प्लीज स्टिक ऑन टू प्लान बी, प्लीज स्टिक ऑन टू प्लान सी. बट एक एक जगह पे आपको लिमिट भी लगानी पड़ेगी कि एटलीस्ट मैं यहां पर तो ये चीज हासिल कर ही लूं. इफ यू आर नॉट गेटिंग योर ड्रीम जॉब इन द मीन टाइम, टेक अनदर जॉब यू कुड दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. आज के टाइम पे हो सकता है आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपकी ड्रीम जॉब हो. यू वांटेड टू वर्क फॉर एज अ होटल मैनेजर बट यू आर नॉट गेटिंग दैट जॉब. इट्स ओके, गेट अ जॉब एटलीस्ट. एक बार आपके पास अगर एक्सपीरियंस आ जाएगा सो दैट एक्सपीरियंस विल लीड यू टू समथिंग वेरी गुड. You never know if that job could lead you to your dream job or business too. Just as the way it did in my case, teaching was never my dream job, but training was, and it directly led to me
एज अ ट्रेनर. मैं अभी नहीं, सो कोई काम ऐसा नहीं ऐसा किया नहीं अभी होता तक। कि ये चीजें एकदम से हो जाएंगी, ये चीजें मैं धीरे अपनी धीरे बेटी को होती ना हैं. सिखाई देती हूँ। सो प्लीज ऐसा नहीं होता है ये चीज एकदम से हो जाती है, ये सब चीजें धीरे धीरे होती है. सो प्लीज 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 आप अपना प्लान ए को उस हिसाब से बनाइए, प्लान अपना प्लान बी को उस हिसाब से बनाइए कि प्लान ए की तरफ आप पहुंचेंगे पहुंचेंगे. थैंक यू सो मच. एंड नाउ इफ देर आर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबडी. Am I visible? Thank you, Shivali. The session was highly informative, and that was in accordance to the current situation, that is COVID-19. There was a and ma'am, there I like in case anyone has some queries, like either students or faculty, they can just raise their hands. And Miss Vipin Yadav has a question in the chat box, ma'am. Okay. Just a second, Yeah, I'll go through it. students, you can go to the right corner onto the screen. There are three options: invite, mute me, and raise hands. You can raise hands from that option, and you can ask the question to madam. Devendra. I hope I have made myself clear. I would love to answer your questions. If there are any questions, please contact me. Please talk to me. I'm ready to answer here as well. And one of the participants have just asked me a question in the chat box. Just a second, I'll look after it. Resume ke andar hum apni qualification ko kis serial mein dikhaye. So Vipin Yadav, right? Vipin, I would like to tell you this thing ki aapko aapki qualification from highest to lowest पे जाना होता है. If you are a post graduate, so you'll write on post graduate, your year of post graduation, and then the university or the college, the institute that you have passed out from, and then your percentage, then your graduation, then your senior secondary, and then your secondary. So this is the way आपको, अगर आपने कुछ भी diplomas वगैरह किए हैं, so वो उसके बाद you can make a separate column of diploma. कि मेरे ये diplomas हैं, आप वो उसमें mention कर सकते हैं. Ma'am, Devinder is raising his hand. You can answer him. Yes, Devinder. Devinder. Very good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, thank you for your helping and knowledgeable experiences that you are sharing with us. But ma'am, don't you think that opening plan B, C or any other plans will sideline from your goal, and that will lower down your confidence and dedications also? Definitely. Thank you for the question, Devinder. I completely understand that what you have told me, but if you must have heard this thing ki aapko plan B us hisab se plan karna hai ki aap plan A ki taraf jao. Suppose may I know what is your plan? Do you want to do your job or business? What's your plan? Ma'am, I'm going for job. Okay, you want to opt for a job. So suppose in which industry are you? Do you wish to go? Ma'am, I am a civil engineering student and I'm preparing for government job. Okay. Suppose if government job, if you are preparing for government job, if it ho jata hai, bahut achhi baat hai. If somewhere nahi ho pata, then what will you do? So that is what I'm telling you. Ki agar government job, hum do cheezon ke liye jaate hain. Ek to job security aur ek financial stability, and third is recognition. ठीक है? ये main three reasons होते हैं government job में जाने के लिए. Yes, ma'am. और तो वहाँ पे मतलब I believe कि infrastructure इतना कोई attractive reason नहीं है. ये question raise हुआ कि इफ मैं मतलब प्राइवेट जॉब के लिए ऑप्ट करता हूँ तो उससे मेरा टाइम भी थोड़ा वो होएगा, मिसयूज होएगा, मेरे को प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर टाइम भी नहीं मिलेगा. बिल्कुल, लाइक अगर मैंने वो कर लिया, शिफ्ट कर लिया, ठीक है, तो उससे मैम वो लॉस नहीं होएगा मेरा? ठीक है, अब मेरी बात सुनो. अगर हम प्लान बी पे एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज हम प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, आज आप जिस भी एज में, आज ही मान लो आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, व्हाटएवर सैलरी, कम से कम आप मान के चलो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो 15,000 20,000 से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है. आप वन ईयर एक कंपनी में रहोगे, आप नेक्स्ट कंपनी में स्विच करोगे, यू विल डायरेक्टली रीच ऑन टू विद अ रेज ऑफ ऑलमोस्ट 30,000 टू 35,000 पे आप इजीली रेज अप कर दोगे, बिकॉज इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्कोप है अगर हम कंपनी स्विच करते हैं उस अकॉर्डिंग तो, ठीक है. तो अभी हमें गवर्नमेंट की तो देखो अनसर्टेनिटी है, कब होगा, कहाँ होगा, हो जाए बहुत अच्छी बात है, आई विश यू ऑल द लक फ्रॉम माय साइड, बट इन केस
अभी बट प्राइवेट जॉब के लिए आप श्योर हो कि ज्यादा से ज्यादा एक दो या तीन इंटरव्यू में प्राइवेट जॉब क्रैक कर लोगे, है ना? गवर्नमेंट के लिए अगर आप प्रिपेयर करो तो आपको हो गए होंगे कितने साल हो गए प्रिपेयर करते को? मैं अभी तो स्टूडेंट ही हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के लिए मैं अभी कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं ज्वाइन किया हुआ। अच्छा, वैसे आप प्रिपेयर करो। देखो आप ट्राई करो गवर्नमेंट के लिए, हो जाता है वेल एंड गुड है, बट अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो जब तक आपका गवर्नमेंट का होगा ना, आप उससे बेटर प्राइवेट में पैकेज ले रहे होगे। आई एम माइसेल्फ एन एग्जांपल। फैमिली सबकी कहती है गवर्नमेंट के लिए करो, गवर्नमेंट के लिए करो, सब गवर्नमेंट के लिए कहते हैं। किया, मैंने भी किया, बट एक बार ही किया, दो बार किया, मुझे लगा नहीं हो रहा, फिर उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर प्राइवेट। एंड आज आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, जो रिकॉग्निशन है, जो स्टेटस है, और जो फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें हम, मेरी गवर्नमेंट से बेटर है। बराबर की मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, शी इज इन गवर्नमेंट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड आई एम वर्किंग एज अ प्राइवेट। ग्रोथ भी बेटर है गवर्नमेंट में। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो आई बिलीव इज कि एक कंपनी के साथ आपको स्टिक ऑन होना पड़ेगा प्राइवेट में। Still, I think I will go for government, but ma'am, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं प्राइवेट के लिए मैं जाऊं, तो आपको भी पता है कि प्राइवेट कंपनीज अगर आपको 20,000 देंगे तो वो आपसे 50,000 का वर्क एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? In fact, after your working hours, they will call you and they will assign you their assignments and other things. So I don't think you will parallelly prepare for your government exams also. That is one concern that if you definitely want to get into government and फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा, दैट इज वन कंसर्न। बट द थिंग इज दैट इफ यू वांट टू गेट स्टैंड एंड ऑल दोस थिंग्स आर योर मैटर, टाइम नहीं मिलेगा इज वन थिंग। कि टाइम तो देखो ऑब्वियसली 9 to 6 टाइम होता है, बट इफ आई टॉक अबाउट आपका मकसद ही गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट में हो जाए, यू नो वन मेजर थिंग आई गेस एनीबडी हु इज फ्रॉम हुज सीनियर टू मी, रूही मैम और नेहा मैम, दिल डेफिनेटली एग्री टू दिस थिंग कि आजकल गवर्नमेंट में भी उतना ही काम है जितना प्राइवेट में है। बट यस, कि अगर हमारा मकसद गवर्नमेंट है, हम प्राइवेट में जा रहे हैं, तो फिर हमें ये डिसएडवांटेज है कि हमें टाइम नहीं मिलेगा। आई अग्री, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन स्पेयर टाइम। बट अगर हमारा टाइम, हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, हमें टाइम चाहिए, तो आजकल गवर्नमेंट प्राइवेट का सब, यू नो, बैंक्स पहले 5-5 बजे तक काम करते थे, अभी 8-8 बजे तक काम करते हैं। आई कम बैक होम एट 6:30, आई कम बैक होम एट 7, इससे ऊपर नहीं है। बट अच्छा, मेरा मन होगा आई कैन से नो ऑल्सो टू वर्क, बट गवर्नमेंट में यू कांट डू ऑल दीज थिंग्स। आप एक बार वहां पे आपके रेड मार्क लग गया तो उसके बाद गवर्नमेंट में कहीं पे भी एंट्री नहीं है। सपोज मेरा किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैंने अपनी प्राइवेट कंपनी छोड़ दी, आई स्विच ऑन टू सम अनदर कंपनी, बट गवर्नमेंट में अगर कुछ होगा तो यू विल हैव टू स्टे देयर नो मैटर व्हाट। हां, आई नो ऐसे पॉइंट्स है, पर अभी मैंने देखा नहीं अभी किसी के ऊपर रेड लाइन लगते हैं। प्राइवेट कंपनी से बहुत को देखा है कि हां इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया या फिर इसको, तो उसमें आपके पास ऑप्शन भी होता है ना, दैट यू हैव अनदर ऑप्शन आल्सो कि आप दूसरी में जा सकते हो। बट फिर गवर्नमेंट के लिए, फिर दूसरे के लिए प्रिपेयर करो, सपोज वो एज ही नहीं है प्रिपेयर करने की, फिर से उसमें सिलेक्ट हो, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी रिसेंटली यू आर सेइंग ना एज अ रेड मार्क हुआ, आई हैव अ रिलेटिव ऑफ माइन, उनका आप ये देखिए कि 2 महीने बाद वो क्या होता है जो कंपनी जब उसको बोलते हैं ना, आई फॉरगॉट, जब खत्म हो जाता है सारा टाइम, तो आई फॉरगॉट उसको क्या बोलते हैं, आई जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ माय नोटिस पीरियड। हाँ, नोटिस पीरियड, प्रोहिबिशन पीरियड नहीं, नोटिस पीरियड नहीं, प्रोहिबिशन पीरियड नहीं, नोटिस पीरियड जब वो रिटायर होना होता है, जब रिटायरमेंट होती है उनकी, 2 months बाद रिटायरमेंट थी। ही वॉज कॉट किस चीज में, वो पैसे ले रहे थे किसी से, ही वॉज कॉट इन दैट थिंग, एंड यू नो 2 months के सिर्फ नोटिस पीरियड, 2 months का उनका टाइम रह गया था, एंड ही लॉस्ट ऑल द मनी, ही लॉस्ट एवरीथिंग। आई हैव एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ जिनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत ऐसे हैं जो बच भी जाते हैं, बहुत ऐसे हैं जो नहीं भी बच पाते हैं। सो ऑल दैट इज मैटर ऑफ the luck and the way you work. So ye cheez hoti hai, but private mein you can switch to something else. Ab uska jo bhi sara tha, jo paisa aana tha retirement ke baad, jo bhi usko sari luxuries milne thi, he lost all that. He got terminated there and then because this corruption of taking money, taking bribes, this is never allowed in any of the private or the हाँ जी हाँ जी, वो चीज हो जाती है। So if your final motives, अभी आपने try नहीं किया, आप government ke liye definitely try कीजिए, and but do not forget to make plan. Ma'am, I have another point. Ji, I think that our institute is best platform for our upliftment, ma'am. अगर वो अपने लिए कोई companies call करे, in fact कि student in मतलब जाए companies की तरफ, तो इससे क्या होगा मैम, स्टूडेंट्स का टाइम भी सेव होएगा, वो अच्छे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, अच्छे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। वो खुद अप्रोच कर रहे हैं लिंक्डइन या कहीं और जाना पड़ रहा है उनके लिए। No issues, Devinder. I'll definitely talk to respected directors and Rohi ma'am as well and everybody around. If any of the options, I also have few options in my hand for the BTech students. If there are any of the options I can help you out with, or you wish to approach
आप मैम से बात कर लीजिए, मैम हैव माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो अगर पर्टिकुलरली आपको इतना है कि आप जॉब करना चाहते हैं तो आई कैन हेल्प यू आउट विद द सेम. एंड रही बात जो कैंपस रिक्रूटमेंट की, सो डेफिनेटली सुरेंद्रा कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन टाउन एंड इनके पास ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स के भी ऑप्शन होते हैं. आपका कौन सा ईयर चल रहा है देवेंद्र अभी? मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ मैम, सिविल. सेकंड ईयर में हूँ ना, तो अभी आपको पता नहीं है. दीस पीपल दे हैव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एंड दे डेफिनेट दे कॉल द कंपनीज, गुड कंपनीज आल्सो कम देयर एंड टेक देयर स्टूडेंट्स विद देम. बट द थिंग इज कि आई एम अ डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम थापर. तो वहां मैम मेरी एलएनटी आई थी हमारे पास प्लेसमेंट के लिए, तो मैं सिलेक्टेड भी हो गया था. वो भेज रहे थे, पुणे भेज रहे थे, पर उनका मैम पे एक पॉइंट था. वो बोल रहे थे आपको इंजीनियरिंग स्टडीज में आगे कंटिन्यू नहीं करने देंगे, आपको बीसीए करवाएंगे, वो भी वहां पे नॉन अटेंडिंग. वो मुझे लग रहा था कि वो मेरे गोल से मुझे साइडलाइन कर रहा है, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया और आगे बीटेक करने का फर्दर डिसीजन लिया. तो मैम ये चीज भी आती है आजकल कंपनीज, जैसे ऑब्वियस है वो अपने को 6 महीने लगा के अपने को ट्रेन करती है अपने लिए. वो आप उनके साथ रहो, आपको फर्दर स्टडी ना करने देख के आपको वो अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे. तो मैम ये अपने लिए एक ड्रॉबैक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं ड्रॉबैक नहीं होता है कि कंपनीज आपको अपने साथ रख के ट्रेन करने की कोशिश करती हैं. इनफैक्ट दैट इज मस्ट. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ट्रेनिंग थिंग, तो डेफिनेटली सुरेंद्रा कॉलेज प्रोवाइड्स दिस थिंग. रोही मैम, आई वुड रिक्वेस्ट योर काइंड इंटरवेंशन ऑन द सेम दैट दिस स्टूडेंट देवेंद्र ही इज हैविंग क्वेरी फॉर द सेम दैट अबाउट द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल. ऑल्दो आई नो कंपनी प्रोवाइड करती है, बट डेफिनेटली वी विल टॉक टू हिम in a deep detail about the training and placement options here in the campus. Now, thank you, Devender. And right now, Absar is asking the question, madam, in the chat box. Thank you very much. Yeah, Devender, thank you so much, Devender. You can contact me regarding the campus placements. They have options of campus placement and yeah. They have an organized team for campus placement. Aisa nahi hai ki aapke teachers karenge. Particularly, they have the entire team, those who focus on campus placement work. So you don't have to worry about campus placement. And jab tak aapki bari aayegi, tab tak to sari companies, in fact, Surendra College will definitely call. That is what they are here for. So don't worry about the campus placement. They'll definitely help you well. Yes, Abhisar. Question from Abhisar in the chat box. Just a second, ma'am. So Abhisar, I have a question from you, madam. Do you think ki private mein government se zyada pay hai? Yes, definitely hai Abhisar. I believe the same. I have many examples. Government mein aap, maine nahi suna kisi government wale ko 2 lakh per month directly income lete hue. In fact, apne prime minister se itni income nahi le rahe hain. Theek hai? But private mein I have heard these things. Meri khud ki friend hai. She have done her BTech from IIIT Hyderabad. She's taking 22 lakhs per annum. And that is her salary. That is she taking from. Or wo bhi startup se wo itna le liya. She began her career with 16 lakhs per annum. So I believe usme hai, the only thing that you need is you need to showcase your interest. Her person BTech karta hai. Aur bhi bahut friends hai. Uske batchmates hai jinhone BTech kari hai. But she was again university topper. She had skills. Or look, wo sirf 3 years mein she have reached to 22 lakhs. Again, one of my cousin, she's an MBA. She's also taking a very good amount. So Abhisar, this is a very true statement that private mein government se zyada pay hai, but initially nahi hai. Bilkul hum ek small scale pe baat kare, aap aaj hi jao aur aapko expect karo ki aapko itna mil jayega, nahi milega. But agar aap mein wo talent hai jo company ko chahiye, companies will definitely call you ki please aao aur hamari company mein kaam karo and they'll pay you whatever you want. And no doubt isme देवेंद्र की बात बिल्कुल सही थी कि कंपनी आपसे उतना चार्ज भी करेंगी, बट देन अगेन उतना काम भी करेंगी, है ना. अगर आपको वो 1 lakh दे रहे हैं तो कम से कम आपसे, आप ये मान के चलिए 1 month का 10 lakh का काम करवाएंगी. बट दैट इज व्हाट कंपनीज आर फॉर, है ना. इफ यू डोंट वांट टू गेट इंटरवाइंड इनटू ऑल दीज थिंग्स, तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. बट कंपनीज अगर है तो यू सी दिस थिंग ना कि हमें वो 1 lakh पे कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो कंपनी भी अपने लिए रखेगी ना, तभी वो हमें 1 lakh पे करिए. बट नो डाउट कंपनी पेज दैट. देयर आर मेनी कंपनीज those who pay such a good amount. Ma'am, now we have a question from Vipin Yadav. Raised her hand in the participants list. Yes, Vipin. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, mera ye question hai ki kisi job mein main select ho jati hu, wahan ka yadi workout acha nahi hai to main wahan pe kaise survive karungi?
ओके सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप बिल्कुल एक चीज देखिए, देख सबसे पहले बींग अ गर्ल बींग अ बॉय नो बींग अ ह्यूमन योर सेफ्टी एंड योर पीस ऑफ माइंड इज मस्ट. आप सपोज वहां पे सिलेक्ट हो जाते हो, वहां पे जा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप वहां पे पहले एचआर से बात करेंगे कि ऐसे ऐसे करके मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है एंड आई एम अनेबल टू फोकस ऑन माय वर्क. उसका रीजन है कि दीज पीपल आर डिस्टर्बिंग मी, दे आर डोंट टेक द नेम ऑफ दोस पीपल बट देर आर फ्यू पीपल दोस आर अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ. अगर आप ऐसा बात करोगे, एक बार ही आप उनसे वर्बली बात करना, अगर आपका एचआर बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ, बहुत अच्छा हुआ, देर देखो मेनी सॉर्ट ऑफ पीपल, बात एचआर की नहीं है, वो पर्सन एज अ ह्यूमन भी उसको ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है, उसके पास कोई दूसरी ब्रांच होगी, कोई दूसरी जगह होगी, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ पर्सन. अगर आप नेम ऑफ पर्सन लेते हो तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज प्रूव हो जाएगा, ठीक है. सो डोंट टेक द नेम ऑफ पर्सन, बट आप उसे पूछ सकते हो कि आई डोंट लाइक दिस ऑर्गेनाइज, आई एम फीलिंग मेंटली इनसिक्योर, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे. तो अगर उनकी दूसरी कोई ब्रांच होगी, दिल शिफ्ट यू आउट देयर, उनकी कोई दूसरी शिफ्ट टाइमिंग्स होगी, दिल शिफ्ट यू आउट देयर. बट अगर सपोज ऐसा कुछ भी नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग, आप उसको बोलते हो, वो आपकी बात नहीं सुनता है, पता है, इन दैट केस व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉयज पे पेनल्टीज, मतलब कोई भी फिर रूल्स वगैरह ब्रेक होते हैं तो वो पेनल्टीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं. दे बिगिन टू पीनलाइज द कैंडिडेट्स एम्प्लॉयज, जो भी उनके रूल्स को ब्रेक करेगा, जो भी उनके प्रॉब्लम्स को क्रिएट, उनके प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा. तो आप वन टाइम मेल नहीं लेंगे, आप सेकेंड टाइम उनको रिटर्न में मेल भेजेंगे एंड थर्ड टाइम इफ इट डज नॉट हैपन, you just write down to the director of the company, ko cc mein rakhe, hr ko rakhe ki aise aise karke problem hai and therefore kuch bhi aapko malum, director khud bhi waise hain, hr bhi waise hain, kuch bhi nahi ho raha hai, leave that company then and there. aapki life mein aapke peace of mind se upar kuch bhi nahi hai. make sure this thing, aur zindagi wahan pe khatam nahi hoti hai agar aap wahan se ja rahe hain aapke paas. but ek cheez yaad rakhiyega ki agar aap kisi bhi aise circumstances mein chhod ke ja rahe hain jahan pe aapko वहां पे पीस ऑफ माइंड आपका इफेक्ट हो रहा था, आपके पास एक रिटर्न में मेल होना चाहिए, ठीक है. आप जिस भी नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे, अगर वो पूछेंगे आपने कंपनी क्यों छोड़ी, आप कहोगे मेरे को वहां पे ये पीस ऑफ माइंड नहीं था, मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, आपके पास रिटर्न में मेल होगा, आपकी सिलेक्शन कहीं नहीं जा रही है, यू विल डेफिनेटली गेट हायर्ड. तो कभी भी अपना पीस ऑफ माइंड मत इफेक्ट होने दीजिएगा किसी भी कॉस्ट पे, बिकॉज अगर पीस ऑफ माइंड इफेक्ट होगा तो आपका ऑफकोर्स वर्क इफेक्ट होगा. वर्क इफेक्ट होगा तो वो आपको निकालेंगे, इससे पहले वो आपको निकालें, आप खुद वहां से जाना प्रेफर कीजिएगा. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम. देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिशिका. यस मिशिका, आई थिंक शी हैज. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मिशिका. मैम एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क दैट आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप इन अ फील्ड नोन एज कंटेंट राइटिंग, बट आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम दैट फील्ड, सो इज इट ओके टू कंटिन्यू द इंटर्नशिप और it is just a time waste because it is not at all from my field in which I am pursuing my studies. Fine. Okay. So do you wish to pursue your career in the same content writing? I can do it as a, you know, side thing, not as the main thing. And you're doing, what are you doing right now? You're doing an MBA? BTech. Okay. You're doing BTech and simultaneously you are working as an internship of content writing, right? Yes. Yes, ma'am. Okay. So if you're doing BTech and content writing is not something your cup of tea, look, if you're not having any option and you have to do the internship as per the norms, so you can continue the internship in the same field. But if you have an option of working with something of your type, working with something that is somewhat related to BTech, opt for something that, because if content writing is never in your plan, content writing does not come into your future goal, ek baat hai, content writing will definitely make you pay good. ऐसा नहीं है कि इसमें आप फ्यूचर नहीं बना सकते, बहुत अच्छा फ्यूचर है. देयर आर मेनी कंपनीज हायरिंग कंटेंट राइटर्स, वर्किंग फ्रॉम होम एज अ फ्रीलांसर भी आप कर सकते हो, बट आपको वो चीज आनी चाहिए. अगर आपको वो चीज आती है, इफ यू आर अवेयर अबाउट कंटेंट राइटिंग, हाउ टू राइट द कंटेंट, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर कंटेंट राइटिंग. आप ये मत सोचिएगा कि इसमें फ्यूचर नहीं है इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर इंटरेस्ट है तो फ्यूचर भी है, बट अगर इंटरेस्ट ही नहीं है सो आई बिलीव यू शुड स्विच ऑन टू समथिंग एल्स. ऑप्शन नहीं है तो आप ये कंटिन्यू कीजिए, अगर ऑप्शन है तो आप अपना जो फील्ड में इंटरेस्ट है, बिकॉज इंटर्नशिप एड्स ऑन टू योर बिजनेस. आपको एक और इसका रीजन बता देती हूँ, अगर आप जिस फील्ड में इंटर्नशिप करोगे, जिस भी कंपनी के अंडर इंटर्नशिप करोगे, अगर उनको आपका काम पसंद आता है, इफ दे लाइक योर वर्क, दे विल डेफिनेटली हायर यू इन फ्यूचर. तो आपके पास ये एडवांटेज है इंटर्नशिप पे. तो देखो कोई भी कंपनी, हायरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, इंटर्नशिप इज अ डिफरेंट थिंग. हायरिंग के लिए कंपनी को कैंडिडेट हर वो चीज चाहिए, इंटर्नशिप के लिए
अगर कंपनीज इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं तो दे कैन डू इट. तो आपको इंटर्नशिप के ड्यूरिंग अपना इंटरेस्ट जो है, अपने जो स्किल्स को करने का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और फिर वही कंपनी आपको ऑफर लेटर दे देगी. इट हैपेंस मेरे साथ, जो भी जिन्होंने भी एमबीए करी है, इट हैपेंड विद देम. सो मैम, इफ यू हैव एन ऑप्शन, सो ऑप्ट फॉर समथिंग दैट इज समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट. ओके, थैंक यू मैम. यू आर वेलकम. I think it's the last question for the day. It says from Vivo 1907. The name has not yet been changed. You can address him, ma'am. Yes. Hello. Are you there, Mr. Vivo? Share your name not, first so that I can address you. His mic is muted, I guess. Okay. So let us conclude for the day right now. So ma'am, on behalf of Surendra Group of Institutions, let me pay thanks for your insight today. And I am sure that everybody far more understood the importance of techniques for finding the first job. And thank you, ma'am, so much, ma'am. Ma'am, and I especially liked that we need to choose a job that we love. That was a great point, in fact. It is all about the passion. Like, of course, and of course, the starting up early in the career is a new thing that we got to know today. And it is, in fact, a vital point. And I was also amazed to know that everyone should have a plan B, the backup plan. Like, If somehow the current plans doesn't work, we should have a plan B ready with us. So I feel that students got really enlightened with insights of your opinion today. And now I would love to thank you, our Honorable Chairman, Mr. Suraj Agarwal, and our esteemed Managing Director, Mr. Gaurav Gupta, for sparing their valuable time. Apart from this, my gratitude to all the dignitaries for having the patience listening today. Once again, I like to express my sincere thanks on gracing your precious time and sharing with us your finding and opinions today. Thank you, ma'am. Thank you so much. Before we end up, I would wholeheartedly like to thank the respected dignitaries and, of course, Ma'am Ruhi Sethi. I'll never use doctor with her because she's my guru, she's my mentor. Thank you so much, ma'am, for providing me with the opportunity, for having faith in me. No doubt, whatever I am today, you have contributed a lot in my life, and specifically you are an inspiration to me. When I have a mentor like you, somebody who's teaching me, is definitely, you have taught me lots of things. Itna kuch hone ke baad bhi, koi person itna grounded kaise reh sakta hai? How can you be so down to earth? I really love you a lot. You are such a great mentor. And thank you, Rajni ma'am, Suraj sir, Gaurav sir, for providing me with an opportunity. It really means a lot. It was a pleasure enlightening you, students. If you have any queries, please contact me. You can contact ma'am. Just let us know and we are there for you. We are there to help you out with any of your queries. Thank you so much, Neha ma'am, for sparing your time, for organizing this seminar, for handling this seminar so well, and adding on to my seminar. It means a lot to me. Thank you so much, ma'am. Welcome, ma'am. We'll surely meet you again. Definitely, ma'am. Other upcoming sessions. Yeah, ma'am. Definitely, ma'am. Thank you so much. I would like to say something. Okay, sir. Yes, sir. It was a beautiful session. You gave an awesome speech. And I'm really happy to, hear what you said. It was really meaningful. Thank you so much, sir. It means a lot. It is a pleasure to be a part of this seminar from behalf of Surendra Group of Institutions, of course, one of the best institutions of the town. Thank you so much. It have added on to my career. It have added on to the value. We will love to have you again for some other, on a bigger global scale. Thank you so much, sir. It means a lot to me. Thank you so much. Thank you, Shivali. I've met you before. Shivali, I'll also like to add something. I've met you before. And it's great to have you again. Yes, ma'am. Yeah, Shivali. Hello. Yes, ma'am. Yeah, it is lovely to have you today with us. I've met you before also. And yes, your ma'am. Session was very informative, very beneficial for the students.
Thank you so much for giving time, Bita. Thank you so much. My compliments to Dr. Ruhi for choosing you. Thank you. There's an announcement. Excuse me, there's an announcement. We are conducting a session on 25th, most probably. And the topic would be the scope of the financial sector after COVID. So many of the students are planning to go into the financial insurance sector for their jobs. And we are planning for a similar session probably this week or next week. And the topic would be how financial insurance sector is affected after COVID-19. So we are looking for your cooperation. We had a very good strength today. Around the maximum strength was 97 and expecting a more strength coming up. Number of institute participated today with us in the session. And I wish every time with the great number of students coming up for such sessions. Thank you so much, Shivali, from my side also. Thank you so much, great ma'am. Session. Great. And I always appreciate your efforts. Thank you so much, Shivali. Thank you so much, means a lot. Thank you. Thank you. Okay.